आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी दिल्ली तो राहुल गांधी बेल्लारी में करेंगे वोट। मुंबई, ये रिश्ता क्या कहलाता है? फेम एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने की खुदकुशी। टी20 वर्ल्ड कप, नामीबिया ने किया उलटफेर, पहले मैच में ही श्रीलंका को 55 रनों से हराया। गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली, मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन, कल 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। भारतीय तट रक्षक बल ने श्रीलंका के 5 मछुआरों को भारत की समुद्री सीमा से पकड़ा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल 4 कार्यकर्ताओं को लगा करंट, अस्पताल में भर्ती। रांची, एम्स से बाथरूम की ग्रिल तोड़कर 2 कैदी भागे। अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाकिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यूपी पीईटी परीक्षा में बैठे 23 सॉल्वर गिरफ्तार। 4.25 लाख किसानों के खाते में 17 अक्टूबर को पहुंचेगी किसान सम्मान निधि। चीन, कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां सम्मेलन शुरू, शी जिनपिंग को तीसरी बार समर्थन मिलने की उम्मीद। कोलंबिया, बस पलटने से 20 लोगों की मौत, 15 घायल। रूस, वॉलंटियर सैनिकों ने खुद की आर्मी पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 11 रूसी सोल्जर्स की मौत। अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोली वित्त मंत्री सीतारमण, ईडी पूरी तरह स्वतंत्र है। कुनो नेशनल पार्क के गेट आज से सैलानियों के लिए खुल जाएंगे। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की वार्षिक बैठक आज से प्रयागराज में होगी। तेहरान के एविन जेल में लगी भीषण आग, गोलीबारी की भी आशंका। अजय देवगन ने शेयर किया दृश्यम 2 से दमदार फर्स्ट लुक। इंडियन आइडल 13 में बिखरा सुरों का जादू, गाना सुनकर इमोशनल हुई तनुजा, आंखों से छलके आंसू। सलार से पृथ्वीराज सुकुमार का धांसू फर्स्ट लुक आया सामने, प्रभास से टक्कर लेंगे जनगणमन स्टार। ईद दिवाली पर सलमान खान करेंगे डबल धमाल, जानवी कपूर की मिली का डरावना ट्रेलर रिलीज। पर्चे पर ऊपर आरएक्स की जगह श्री हरि लिखो, नीचे हिंदी में क्रॉसिंग लिख दो। भोपाल में डॉक्टरों से बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री या कॉन्ट्रैक्ट किलर, सामना में सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी, उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर हमला। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।